विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्मसंयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्मसंयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा,
हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करें, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं, शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे, सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाए। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाए, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाए। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाए। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं।
ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दक्षिण में है द्वितीय खुशी, द्वितीय यानी सेकंड हैंड। जैसे लोग सेकंड हैंड चीजें लेकर आते हैं ना मार्केट से, वैसे ही ये खुशी है, सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड हैप्पीनेस यानी किसी को चिढ़ाकर, किसी को सताकर आनंद लिया जाता है। किसी को काला कहा, किसी को ठिंगना कहा, किसी को मोटा कहा, किसी को चश्मिश कहा, किसी को क्या, किसी को क्या। कॉलेज में देखोगे चार विद्यार्थी मिले नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और उनको लगता है यही खुशी है। बिना किसी का मजाक उड़ाए वो बैठ ही नहीं पाते, इस तरह की खुशी में वो उलझ जाते हैं। सेकंड हैंड हैप्पीनेस, दूसरों को परेशान करके, चिढ़ाकर लोग खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। पति पत्नी जा रहे और पति ने एक बंदर को देखकर कहा बीवी को, देखो तुम्हारा रिश्तेदार, देखो तुम्हारा रिश्तेदार। अब उसको चढ़ाना है, मुंह चढ़ाना है, उसको गुस्सा आएगा, मजा आएगा, खुशी होगी। तो बीवी को कहता देखो तुम्हारा रिश्तेदार। बीवी भी कहती है हाँ रिश्तेदार तो है मगर शादी के बाद हुआ है। तो ये इसको चिढ़ा रहा है, वो उसको चिढ़ा रहा है, ये चलते रहता है। तो ये सेकंड हैंड हैप्पीनेस है, ये दक्षिण वाली हैप्पीनेस है। उत्तर से तो मुक्त होना है, दक्षिण से भी मुक्त होना है, क्योंकि असली खुशी नहीं है। इसलिए ही इंसान छीन रहा है खुशी को दूसरों से, किसी और को परेशान करके छीन रहा है, क्योंकि बिना खुशी के वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है। और हर इंसान को शक्ति चाहिए, एनर्जेटिक महसूस करना चाहता है। तो दूसरी खुशी से भी बचे, सेकंड हैंड हैप्पीनेस। तीसरी खुशी जो है पूर्व वाली, पुरानी खुशी, सबसे पुरानी पूर्व वाली खुशी, वो क्या है कि एक इंसान बस से जा रहा है और कंडक्टर नजदीक आने से पहले उसका स्टॉप आ गया, तो वो उतर गया, बड़ा खुश है, अरे आज तो 3 रुपए बच गए, आज तो मजा आ गया। थिएटर में गए थे पिक्चर देखने और एक टिकट निकाली, टिकट देने वाले ने गलती से 2 टिकट दे दी, अरे बहुत मजा आ गया, फ्री में पिक्चर भी देख लिया, एक टिकट ब्लैक में भी बेच ली, वड़ा पाव भी खाया, मजा आ गया। तो ये उसे पता नहीं कि वो जो मनी ब्लॉक डाल रहा है उसे तो लगा 3 रुपए बच गए, 3 रुपए बच गए, मगर उसे पता नहीं कि 3 रुपए बचाने के चक्कर में तुम्हारे कितने रुक गए जो तुम्हारे पास आ रहे थे। 3 रुके कि 300 रुके कि 3000 रुके कि 30,000 रुके, उसे तो पता ही नहीं। अज्ञान में इंसान पुरानी खुशी में अटकता है, किसी को धोखा देकर, कपट करके पैसे लिए वापस नहीं लौटा रहा है, एक कपट से वो करना चाहता है।
कोई इंसान तो जीवन भर धोखे में रह जाता है कि मेरे पास असली चीज है। जब तक कोई परख देने वाला नहीं आता, पारखी नहीं मिलता कि ये देखो ये नकली है, और वो खुद आपको वो आंख देगा जिससे खुद परखो कि वाकई वो असली है या नकली है, तब समझ में आएगा कि हम झूठी खुशियों में ही जी रहे हैं। तो पुरानी पूर्व वाली हैप्पीनेस बताई, प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।